हेलो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। अगर आपका पैर इस तरह से, पैर में भी वाई फट रहे हैं, देखिए इस तरह से, तो इसे बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, सिर्फ ₹5 के खर्च से आप, ₹5 या ₹10 के खर्च से आप अपने पैर को बिल्कुल ही सॉफ्ट और कोमल बना सकते हैं, चिकना बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो इसके लिए आपको दो चीज लेना है, एक तो इस तरह का पेपर जो आपको हार्डवेयर दुकान से मिल जाएगा, और दूसरा या तो वैसलीन या तो फिर आपको बोरो प्लस लेना होगा। अब इसे करना क्या है, इसको से अच्छी तरह से इसे घिसना है। और घिसते समय इस बात का ख्याल रखें कि पैर आपको, आपका जो पैर है बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। जितना सूखा होगा उतना जल्दी ये घिसेगा। और इसे तब तक घिसना है जब तक ये ऊपर का जो त्वचा है, जो फट चुका है, क्रैक हो चुका है, ये जब तक घिस न जाए। और जितना सूखा रहेगा उतना जल्दी घिसेगा, पैर में आपका नमी नहीं होना चाहिए। आपको जब घिसना रहे तो उसके 4-5 घंटा पहले से ही पैर को आप गीला ना होने दें। और इसे घिस लेना है दोनों पैर को अच्छी तरह से। तो इस तरह से घिसना है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और अनुभव की बात है, कोई सुनी सुनाई नहीं। और बिल्कुल 100% फायदा आपको पहले दिन में ही आपको दिखेगा। तो अच्छी तरह से पूरी एरिया को घिस लेना है, इसे कहीं भी क्रैक दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद जितना आप इसे प्लेन बनाएंगे घिसकर, वो प्लेन आपका उसी तरह से बरकरार रह जाएगा, फिर वो क्रैक नहीं होगा। इसका उपाय भी हम बताएंगे, जब क्रैक नहीं होने का उपाय। अभी तो इसे घिसना है, और दोनों पैर एक साथ आप एक ही दिन में घिस ले, और इसके बाद आगे बताने वाले हैं इसका कि फिर जो क्रैक ना हो उसके लिए क्या करना है। ये तो अभी आप घिसेंगे तो ये आपका प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही बरकरार है, इसके लिए क्या करना है ये उपाय आगे बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो इस तरह से घिसने के बाद इसको पानी से साफ कर लेना है, और कपड़ा से पोंछ के, तो इस तरह से साफ करने के बाद इसे सुखा लेंगे। और सुखाने के बाद अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये तो हमारा जो पहले था उसमें बदलाव हो गया, चिकना हो गया ये, लेकिन ये इसी तरह से बरकरार रहे इसके लिए क्या करना है, इसमें फिर से क्रैक ना हो इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए आप, अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा इसमें लगाएं। और कब लगाएं, रात को सोते समय लगाएं, और उसी तरह छोड़ दें लगाकर। और जब सुबह आप नहा धोवा लें, फ्रेश हो लें, सब काम से निपट लें, तो एक बार लगा लें। अगर आप कुछ काम करते हैं तो काम करने से पहले, मतलब नहाने के बाद एक बार इसमें लगा लें एलोवेरा। और अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सबसे सस्ता और सबसे इजी में है कि आप एक बोरो प्लस का जो पाउच होता है ₹5 वाला, उसे ले लें। और अगर वो नहीं है तो आप ये वैसलीन ले लें जो बाजार में उपलब्ध है आसानी से। इसको इस तरह से
आपको लगा लेना है। और ये लगाने के बाद ये ध्यान दें, इसको थोड़ा सा मालिश आप कर लें, ताकि ये जो हम लगा रहे हैं ये सिर्फ ऊपर नहीं रहे, ये त्वचा के अंदर तक, यानी अंदर तक का मतलब है कि जो रेशा होता है उसके अंदर तक ये चला जाए इसका अंश। तो इससे क्या होगा, फिर से आपका ये क्रैक नहीं होगा। और ये कब तक करना है, 4-5 दिन तक ये लगातार करना है। इसके बाद आप महीने में 1-2 बार भी अगर आप करते हैं तो कभी भी आपका पैर क्रैक नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल और अनुभव के बाद हम आपको बता रहे हैं कि आपके साथ ये अगर समस्या बार बार आता है तो इस तरह से आप एक बार करके देखें। अब इसके बाद आप दूसरे को बताइएगा ये उपाय कि इस तरह से हमने किया और ये ठीक हो गया, तो इसे जरूर आजमाएं। और जो भी हमने आपको दिखाया बिल्कुल लाइव आपके सामने, बस पहले ही दिन क्या, कुछ ही मिनटों में आपके पैर का जो क्रैक है वो ठीक हो जाएगा। और इस तरह से बिल्कुल लगा लेना है अच्छी तरह से मालिश करते हुए दोनों पैर में, और बस कुछ मिनटों में आपका पैर बिल्कुल सॉफ्ट, चिकना, मुलायम, ये देखिए फर्स्ट क्लास। और जब घिसने के बाद आप पहली बार इसमें लगाएं, जो भी आप लगा रहे हैं, तो उस समय आप कंजूसी नहीं करें, अच्छी तरह से लगाएं और अच्छी तरह से मालिश करके, और थोड़ा ज्यादा मात्रा में लगाएं। जब आप इसमें मालिश करेंगे तो वो सूखता जाएगा, मतलब जो आप लगाएंगे जितना मात्रा में वो मात्रा कम होते जाएगा, ये आपका अनुभव होना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि हमने जितना लगाया था तो उसका मात्रा कम, यानी कि जब ये अच्छी तरह से आप लगाएंगे, मालिश करेंगे, तो ये अंदर तक जाएगा और ऊपर का जो मात्रा है वो घटते जाएगा। और इस तरह से लगा लें। तो ये आप देख सकते हैं दोनों पैर एक साथ आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये शाइनिंग आ चुका है इसमें। और ये हल्का जो आपको ये रेशा दिख रहा है ये क्या है, इसको हल्का सा एक दिन और हम थोड़ा सा घिस लेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम और चिकना हो जाएगा आपका एरिया, बच्चा का जो पैर होता है उस टाइप का हो जाएगा। और एक बार आप इस ट्रिप को जरूर आजमाएं और खुद इसका फर्क देखें, और आपको ये कभी फिर वापस क्रैक करेगा ही नहीं। सबसे खास बात ये, और सबसे सस्ता उपाय, और बस कुछ ही मिनटों में, आपको कोई ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है, ये क्रीम और वो क्रीम कुछ लगाना है ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।